नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर जो प्रमुख खनिज संपदाएं हैं उनके बारे में। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ट्रेंडिंग मंडे में। यहाँ पे हम दो तरीके के खनिज तत्वों की बात करेंगे, एक धात्विक है और दूसरा अधात्विक है। इसके बाद में धात्विक खनिजों में सबसे पहले अपन लोहे की बात करते हैं। इसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट और सीडराइट, ये चार प्रकार के लोह अयस्क हैं। और विश्व में जो प्रथम स्थान है लोह अयस्क के अंदर वो यूक्रेन से निकलता है। उसके बाद में चीन का स्थान है जो सेकंड है, दक्षिणी मंचूरिया। उसके बाद आता है ब्राज़ील में, मिनास गेरास के नाम से है। तो यूक्रेन अपन को याद रखना है लोहे के लिए प्रथम स्थान है इसका लोह अयस्क उत्पादन में। उसके बाद में भारत की बात करते हैं तो कर्नाटका और उड़ीसा में, कर्नाटक में बाबूबुदन और उड़ीसा में मयूरभंज नाम से इसकी खाने हैं। ये जो उत्तम किस्म का लोहा निकलता है भारत में वो बेलारी के अंदर से निकलता है। इसके बाद बात करते हैं अपन जो थर्ड स्थान है कर्नाटक उड़ीसा के बाद में, वो है छत्तीसगढ़ में। राजस्थान में जो सर्वाधिक लोहा है वो जयपुर के मोरिजा बनेला में निकलता है। इसके अलावा दौसा में निकलता है, नीमला रायसेला में, डाबला सिंघाना में निकलता है और नाथ की पाल हुंडेर उदयपुर में निकलता है। तो अपन को इतना याद रखना है लोह अयस्क के बारे में कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट और सिडेराइट, ये चार प्रकार के लोह अयस्क हैं विश्व में, यूक्रेन, भारत में, कर्नाटका और राजस्थान में जयपुर मोरिजा में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन राजस्थान में जो हेमेटाइट और लेमोनाइट किस्म का लोहा निकलता है। लोहे के जो कारखाने हैं वो भारत में टिस्को, इस्को और मिस्को हैं। जो टिस्को है जो कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, वो 1907 में स्टेब्लिश हुई थी जमशेदपुर में जो कि झारखंड में है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1907 में ये स्टेब्लिश हुई। इसके बाद में इसको स्टेब्लिश हुई जो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है वो 1919 में स्टेब्लिश हुई। उसके बाद में जो मिस्को है वो 1923 में स्टेब्लिश हुई, जिसको पहले मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी कहते थे। उसके बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, जिसका नाम अब है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि कर्नाटका में है। तो राजस्थान के जो कारखाने हैं वो तो मैंने पहले बता दिया जयपुर मोरिजा में है। भारत में कहाँ कहाँ पे जो इसके प्लांट्स हैं, ठीक है, वो टिस्को, इस्को और मिस्को है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो टिस्को है वो स्वर्णरेखा खार कोई नदी के संगम पे बना हुआ है। जो टिस्को पावर प्लांट, टिस्को स्टील आयरन स्टील कंपनी है जो टाटा द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, इसके लिए जो कोयला चाहिए होता है वो झरिया और रानीगंज से हमें प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मैग्नीज की। मैग्नीज क्या काम करता है, लोहे को कड़ा करने के काम में आता है। विश्व में दक्षिण अफ्रीका मैग्नीज के अंदर सबसे पहले स्थान पे है, भारत में उड़ीसा में ये निकलता है, उसके बाद में कर्नाटका। इसके बाद में हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में बांसवाड़े में मैग्नीज निकलता है। तो जैसे अपन याद कर सकते हैं मैगी, मैं बांस के साथ, बांस के लकड़ी के साथ खाऊंगा। तो मैग्नीज और बांसवाड़ा, बांसवाड़े में कौन कौन सी खाने हैं इसकी, लीलवाना, नरडिया, तिमाचोरी और कासला, तलवाड़ा। बांसवाड़े के बाद में उदयपुर और सवाईमाधोपुर। तो अपन को याद रखना है कि राजस्थान में मैग्नीज बांसवाड़ा में होता है। ठीक है, और विश्व में कहाँ होता है, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में एक चीज और होती है, सोना। ठीक है, और भारत में कहाँ पे है ये मैग्नीज, उड़ीसा में और कर्नाटका में। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों टंगस्टन। टंगस्टन क्या काम में आता है, सामरिक दृष्टि से इसका महत्व है क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। चीन में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है और हीरे के बाद सबसे कठोर धातु है। टंगस्टन का ही जो बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का ही बनता है। राजस्थान में बात करें तो डेगाना और भाकरी में इसकी प्रमुख खाने हैं, डेगाना भाकरी। ठीक है, टंगस्टन का जो है डेगाना भाकरी वालदा सिरोही साइड में टंगस्टन की प्रमुख खाने हैं। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों तांबा। तांबा मानव ने सबसे पहले इसे खोजा था। विश्व में चुक्की का माटा जो कि चिली में है इसका प्रथम स्थान है, यूएसए में बूटे खान,
के नाम से है, और भारत में सबसे ज़्यादा तांबा एमपी में 56.86%, जो कि बालाघाट में है। और राजस्थान में अपन बात करें तो यहाँ पे अपन मैप में देख सकते हैं खेतड़ी सिंघाना, इसके अंदर कोहन मथान बम्बई ये उसके खाने हैं, खोदरीबा पुरबनेड़ा उदयपुर के अंदर भी है, और सोनपुरी अलवर। तो खेतड़ी सिंघाना पुरबनेड़ा ये सब अपन को याद रखना है तांबे के लिए। इसके बाद बात करते हैं चांदी की। चांदी वही निकलेगी जहाँ पे सीसा रस्ता निकलेगा, क्योंकि ये दोनों साथ में ही निकलते हैं। तो जहाँ पे चांदी के खनिज भंडार होंगे वहीं पे सीसा और जस्ता के भी होंगे। चांदी का जो अयस्क है उसको बोलते हैं एग्रेनाइट एग्रेनटाइट, और सीसा जस्ता के हैं उनको गैलेना बोलते हैं, इनको जुड़वा खनिज भी बोलते हैं। सीसा जस्ता के लिए जो है चीन में प्रथम स्थान है, और चांदी में जो है विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी मैक्सिको के अंदर निकलती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सर्वप्रथम जिसको अपन बोल सकते हैं, सबसे पहला राजस्थान सबसे ज़्यादा चांदी निकलती है, इसके बाद में कर्नाटका में निकलती है। और इसकी जो खाने हैं राजस्थान में वो हम मैप के माध्यम से देखेंगे। जावर माइंस है उदयपुर में, और मोचिया मगरा जो कि राणा सांगा के समय ये चांदी की खान यहाँ पे निकली थी। अब इसके बाद में राजपुरा दरीबा राजसमंद मतलब उदयपुर राजसमंद भीलवाड़ा और चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर, चार जगह हैं दोस्तों। उदयपुर जो कि जावर माइंस आपको पता ही है, इसके अलावा राजसमंद पास में ही है उदयपुर के, सवाईमाधोपुर और भीलवाड़ा, ये चार हैं राजस्थान में चांदी की खाने। इसके बाद हम बात करते हैं जो तांबा और जिंक को मिला के पीतल बनता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सोने की। सोना बहुत गहराई में निकलता है। दूसरी बात क्या है कि प्रथम जो स्थान है सोने को निकालने का वो है दक्षिण अफ्रीका, जो कि जोहान्सबर्ग इसकी खान है। ऑस्ट्रेलिया में भी कालगुडी और कुलगाड़ी नाम से यह है अयस्क पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटका में, भारत में सबसे ज़्यादा चांदी आपको पता ही है राजस्थान में, कहाँ कहाँ पे निकलती है सवाई माधोपुर उदयपुर की जावर माइंस राजसमंद भीलवाड़ा, ये जो चार हैं अपने पढ़ा था। अब सोने की बात करते हैं तो सोना मतलब केवल बांसवाड़ा में पाया जाता है। ये सब जो क्षेत्र हैं वो गहराई के अंदर है, जैसे दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग ये गहराई में निकलता है इसलिए गहराई में, भारत में कर्नाटका भी गहराई में, राजस्थान में बांसवाड़ा भी गहराई में, मतलब मैप के हिसाब से देखा जाए तो आपको याद रहेगा। इसके बाद में है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज के अंदर अभ्रक जिप्सम संगमरमर ग्रेनाइट और एस्बेस्टोस की बात करेंगे। सबसे पहले अभ्रक की बात करते हैं, भारतीय खनिज का बीमार बच्चा भी इसको बोलते हैं। अभ्रक की ईंटें बनाई जाती है जो कि तापरोधी होती है, और अभ्रक की ईंट भीलवाड़ा में बनाई जाती है। इसके दो तरीके के अभ्रक पाए जाते हैं, रूबी और बायोटाइट। रूबी सफ़ेद रंग का होता है और बायोटाइट गुलाबी रंग का होता है। भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन होता है, या अभ्रक की जो माइंस है वो भीलवाड़ा में ही पाई जाती है। इसके बाद में है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस का काम क्या है, वही रेशों के रूप में निकलता है और आग नहीं पकड़ता। ऐसे ही अभ्रक का काम भी वही है, सेम तापरोधी होता है। ये इसको ट्रेनों में काम में लिया जाता है एस्बेस्टोस को। उदयपुर में ये निकलता है, भीलवाड़ा में अभ्रक और उदयपुर में एस्बेस्टोस। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों जिप्सम की। जिप्सम के अंदर इसके जो जिप्सम के अंदर बात करें तो ये जो मृदा की क्षारीयता या अम्लीयता को दूर करने के लिए जिप्सम काम में लिया जाता है, क्षारीय मिट्टी का उपचार करने में ये नागौर में पाया जाता है। तो जी और ना, जिप्सम नागौर, ठीक है, जिप्सम नागौर में, एक बार वापस से रिपीट करता हूँ मैं, जिप्सम नागौर में पाया जाता है। इसके अलावा जो तांबा है वो अपन ने पढ़ा था कहाँ पे, हाँ तांबा खेतड़ी सिंघाना में है। एस्बेस्टोस है जो अपन ने देखा था, एस्बेस्टोस और अभ्रक ये दोनों तापरोधी हैं। एस्बेस्टोस को ट्रेनों के अंदर काम में लिया जाता है एक तापरोधी के रूप में। इसके अलावा जो अभ्रक है उसको वो ईंटें बनाने में, जो कि भीलवाड़ा के अंदर इसका प्लांट है, ठीक है। और जो ये एस्बेस्टोस है वो उदयपुर के अंदर है। संगमरमर कई तरीके के होते हैं, जैसे सफ़ेद संगमरमर सबसे अच्छा होता है, इसमें कायांत्रिक चट्टानों से यह मिलता है। राजस्थान में कहाँ कहाँ पे संगमरमर की खाने हैं वो मैं बता देता हूँ। एक बार पीला संगमरमर जैसलमेर में मिलता है,
राजसमंद में सर्वाधिक संगमरमर पाया जाता है, हरा संगमरमर सिरोही आबू के क्षेत्रों में पाया जाता है, और मकराना में सबसे सबसे अच्छा किस्म का संगमरमर मिलता है जो कि नागौर में है। जोधपुर के अंदर बादामी रंग का संगमरमर पाया जाता है, जोधपुर की जो बिल्डिंग है आप देखोगे वो भी बादामी रंग की होती है। और इसके अलावा बात करते हैं जो राजसमंद में, इसका राजसमंद में पाया जाता है संगमरमर, और जो भैंसलाना है उसमें काले रंग का संगमरमर पाया जाता है, सतरंगी रंग का संगमरमर पाली में पाया जाता है, मकराना का जो सफ़ेद संगमरमर है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट सबसे महंगा पत्थर है जो कि आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, ग्रेनाइट सिटी जालोर को बोलते हैं, और गुलाबी ग्रेनाइट वहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं पन्ना हीरा और तांबड़ा की। पन्ना इसको हरियग्नि मरकट एमराल्ड भी बोलते हैं, और इसको बेरिल पत्थर भी बोलते हैं। भारत में पन्ना मंडी जयपुर में है। हीरे की बात करें तो हीरा एमपी में है, जिसकी खान का नाम है पन्ना। कार्बन का शुद्ध रूप है सबसे चित्तौड़गढ़ में ये पाया जा चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा खान से प्राप्त हुआ था जो, और सबसे बड़ा जो हीरा है वो कुलिनान में प्रीमियम एक जगह है साउथ अफ्रीका में, वहाँ से पाया जाता है। जो सबसे बड़ा हीरा है विश्व का वो कुलिनान है। कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा खान में पाया जाता था। और तांबड़ा ये लाल मणि रक्तमणि भी बोलते हैं इसको, इसके दो तरीके के रूप होते हैं, जेम और एप्रेसिव। और ये जो तांबड़ा है वो टोंक में पाया जाता है। तो एक बार अपन वापस से रिवाइज कर लेते हैं इसको। दो तरीके के खनिज होते हैं, जो पहला खनिज है धात्विक है और दूसरा है धात्विक। धात्विक की अगर बात करते हैं तो लोहा, लोहा के जो राजस्थान में है, राजस्थान में जयपुर मोरिजा में लोहा पाया जाता है मेन मेन। एक बार राजस्थान की बात करते हैं अपन, मैग्नीज कहाँ पे, राजस्थान में बांसवाड़ा में पाया जाता है, ठीक है, मैगी वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था। टंगस्टन की बात करते हैं, टंगस्टन सामरिक महत्व से काम में आता है। टंगस्टन सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में है वो डेगाना भाकरी में है, ठीक है, टे डे ये याद रखना है, टंगस्टन डेगाना में। इसके अलावा चांदी की बात करें, चांदी जावर माइंस में राजस्थान में पाई जाएंगी, ठीक है, जावर माइंस उदयपुर में है। मोचिया मगरा ये इसकी खानों का नाम है। उसके बाद में सोना, सोना अगर राजस्थान की बात करें तो आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा में पाया जाता है, इतना याद रखना है, और बांसवाड़ा के अलावा अजमेर में है। इसके बाद में अधात्विक खनिजों की बात करें दोस्तों, अभ्रक जो है, अभ्रक राजस्थान में अभ्रक भीलवाड़ा में पाया जाता है। एस्बेस्टोस की बात करते हैं, उदयपुर में पाया जाता है। जिप्सम की बात करें, जिप्सम नागौर में पाया जाता है। जी ना, ये याद रखना। संगमरमर मैंने बताया, पीले रंग का संगमरमर जो है वो जैसलमेर में पाया जाता है, बादामी रंग का जोधपुर में पाया जाता है, हरे रंग का संगमरमर सिरोही आबू के क्षेत्रों में पाया जाता है, सर्वाधिक संगमरमर राजसमंद में है, जोधपुर का बताई दिया मैंने, मकराना में सबसे अच्छा संगमरमर पाया जाता है सफ़ेद रंग का संगमरमर। इसके बाद में काले रंग का संगमरमर भैंसलाना में पाया जाता है, ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टानों से मिलता है, और सबसे महंगा पत्थर यही है, ग्रेनाइट सिटी जालोर को बोलते हैं। जो पन्ना है उसकी मंडी जयपुर में है। हीरा जो है राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के अंदर निकलता है। तांबड़ा जो है जिसको लालमणि कहते हैं उसको टोंक में वो पाया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में राजस्थान की जो प्रमुख खनिज हैं और उनकी जो खाने हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा, और विश्व में भी इन प्रमुख खनिजों का स्थान पढ़ा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।